Welcome back to your own YouTube channel, Asia Young IS. In this series of short tricks, we will discuss most expected and tough questions and how you can solve them in 5 to 10 seconds. Okay, we have already covered short tricks on two topics of number series, that are finding smallest and largest fraction and finding remainder part 1. In today's topic, we will cover more tricks regarding finding the remainder. And if you have not watched the episodes of finding the smallest and largest fraction and finding the remainder, okay, so please watch that videos. You can find that videos in our playlist. In that you will find the most expected questions and how you can solve that questions in 5 to 10 seconds. So let's get started for this session. Like every session, in this session also we will use a basic concept and we will use the trick, we will build our trick on that basic concept. So today's basic concept is remainder. The remainder is an expression which can be expressed as positive or negative remainder. Okay, it can be expressed as positive and negative both. Positive and negative both. Okay, so I will let's understand with this with the example. If 32 by 7 it is given, so what we will do to find the remainder for this, we will divide 32 by 7. So 32 4s are 28, हमको रिमाइंडर क्या मिला 4. इन सेम वे हम लोग 32 को 35 से भी कर सकते थे. ओके, इस ये केस में हमको रिमाइंडर क्या मिलता था, -3. ठीक है, सो हर एक जो एक्सप्रेशन होता है या a by b फॉर्म होता है, उसके दो रिमाइंडर्स होते हैं. एक तो होता है पॉजिटिव रिमाइंडर, दैट इज +4, एंड अदर इज नेगेटिव रिमाइंडर, दैट इज -3. ठीक है, ठीक है. सो लेट्स अंडरस्टैंड विद वन मोर क्वेश्चन. अगर आपको दिया गया है 51/8, ठीक है, इसके भी दो रिमाइंडर्स होंगे, एक तो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा. इसको फाइंड करने का इजीएस्ट मेथड क्या है, 8 के टेबल में 51 सबसे क्लोजेस्ट कौन से डिजिट्स आते हैं. एक तो आएगा 8, 6 जा 48, ठीक है, 48 माइनस 51 कितना होगा, 3 बचेगा, +3. और दूसरा आएगा 48 × 7, दैट इज 56. इसका रिमाइंडर आएगा -5. ठीक है, तो हर एक जो ए बाई बी फॉर्म होता है या जो न्यूमरेटर हर एक नंबर को हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो उसके दो रिमाइंडर्स होते हैं. जब वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा तब उसके दो रिमाइंडर्स होंगे, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. फाइन, तो हम लोग कौन सा रिमाइंडर यूज करना है, हमको वो रिमाइंडर यूज करना है जो हमें कैलकुलेशन के लिए सबसे इजीएस्ट होगा, मतलब जो हमें कैलकुलेट करने के लिए सबसे इजीएस्ट पड़ेगा. ठीक है, सो ये कंसेप्ट आप अपने जो सम्स है वो उसमें कैसे यूज करना है इसके बारे में हम लोग जानते हैं. हाउ यू कैन यूज दिस कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चंस, लेट्स फाइंड इट. सो फर्स्ट क्वेश्चन है 173 × 1749 × 83 × 171 / 17. ओके, तो ऐसे आपको इक्वेशन दिया गया है 1753 × 1749 × 83 × 171.
divided by 17. सो अगर आपको इसका रिमाइंडर फाइंड करना है तो एक बेसिक मेथड क्या होता है जिसमें आपको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 17 से डिवाइड करेंगे और आपको रिमाइंडर मिलेगा. बट ये बहुत ही लेंथीएस्ट मेथड है, प्लस इसमें आपके कैलकुलेशंस में कुछ मिस्टेक हो गए तो आपके आंसर्स में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगा. सो इसको फाइंड करने का ईजिएस्ट मेथड क्या है, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर फाइंड करना और उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना. सो 171 को हम लोग 17 से डिवाइड करेंगे, 1753 को 17 से डिवाइड करेंगे, 17 वन ज़ा 17 बचा 53, 17 थ्री ज़ा 51 बचा 2. ठीक है, तो इसका रिमाइंडर हमको मिला प्लस 2. ठीक है, अभी सिमिलरली ये प्लस 2 है मतलब 151 है, तो अगर यहाँ पे 49 होता 1749 49 नीचे आता और हम लोग 51 से उसको सब्सट्रैक्ट करते तो हमारे पास क्या रिमाइंडर आता प्लीज. ओके, माइनस 2. नाइस. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को रिमाइंडर मिल गया डायरेक्टली माइनस 2. सेम चीज हम लोग जब 83 के साथ करेंगे तो 17 कितने ज़ा 83 आता है, 17 5 ज़ा 85. ठीक है, सो ये 83 के सबसे क्लोजेस्ट है. 85 माइनस 83 कितना बचा, माइनस 2. सॉरी फॉर द मार्कर, मार्कर कुछ इशू हो गया. ओके, सो एंड 171 आप तो मतलब देख के ही बोल सकते हो, 17 टेन ज़ा 170. ठीक है, तो इसका रिमाइंडर बचेगा हमारे पास प्लस 1. ये तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 1 कितना होगा, 8 बाय 7. और कभी भी जब भी न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू होगी वही उसका रिमाइंडर होता है. ओके, सो 8. सो ये हम लोग को अराउंड 5 to 10 सेकेंड्स में हम लोग उसका रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, सो विदाउट एनी कैलकुलेशन मिस्टेक, सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन करके आप इजीली इसका रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो हम लोग और एक नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं. ये क्वेश्चन में क्या है, हमको पावर दी गई है, हमको दिया है 153 रेज टू 112. ठीक है, अभी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ये टाइप के सम्स को और भी बहुत सारे मेथड से सॉल्व किया जाता है, बायनोमियल एक्सप्रेशंस करके और बहुत सारे मेथड से, लेकिन वो मेथड से आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. प्लस आप मतलब बेसिकली आपको जब फॉर्मूला पता होगा तो ही आप ये टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो. ठीक है, लेकिन ये टाइप का ये जो ट्रिक है जो मैंने बताई, अगर आपको ये ट्रिक सिंपल ट्रिक आप अगर याद रख लोगे तो आप ये और ये टाइप के कोई भी सम्स होंगे जिसमें रिमाइंडर फाइंड करना है आप हर टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो. ओके, सो 9, सो इग्नोर द पावर एज ऑफ नाउ, इग्नोर द पावर एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द बेस टर्म. 9 और 53 पास के दो टर्म्स कौन से हैं, 53 के टेबल में, 9 के टेबल में 53 के पास वाले कौन से दो टर्म्स आते हैं. एक तो आता है 54, दैट इज 9 6 54, एंड अदर इज उससे छोटा वाला आएगा, 6 है तो ऑब्वियसली नीचे वाला, 9 5 45. ठीक है, तो हमारे पास दो पावर्स आ गए, एक तो आया -1 और दूसरा आया +8. ठीक है, तो हम कौन सा वाला पावर सिलेक्ट करेंगे, जो पावर से हमको कैलकुलेशन करना सबसे इजी होगा. ठीक है, जो पावर से हमको कैलकुलेशन करना सबसे इजी होगा हम लोग वो पावर को सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, -1 raised to 112 by 9. ठीक है, रेज टू पावर इवन है तो जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, सो 1 by 9 और इसका रिमाइंडर होगा 1. ठीक है, सो इसी तरह से आप कोई भी यहाँ पे कोई भी टर्म होगा और यहाँ पे कोई भी टर्म होगा, यहाँ पे कोई भी टर्म होगा, कुछ भी टर्म रिप्लेस करके आपको कितना भी कॉम्प्लिकेटेड या कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे देंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अराउंड 5 to 10 मैक्स टू मैक्स 15 to 20 सेकंड्स में कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज द इजिएस्ट मेथड विच इज अवेलेबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑफ रिमाइंडर. ठीक है, सो फॉर दिस द ऑप्शन इज सी. नाउ लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन एंड फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेयर वी कैन अप्लाई दिस. ओके, सो
अभी क्वेश्चन में है कि 2 raised to 63 बाई 9, 2 raised to 63 बाई 9, अभी क्या है 2 9 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है 2 9 से डिविजिबल नहीं है, तो हमको क्या करना है, ये बेस का जो वैल्यू है वो जो 9 है उससे क्लोजेस्ट जो मल्टीपल होगा उससे लाना है। 9 का क्लोजेस्ट कौन सा है, एक तो होता है 2, 2 1 2, 2, 2 4, 2, 3 6 एंड 2, 4 8, 8, 9 के काफी क्लोज है, ठीक है। सो 2 × 3 × 15 सॉरी 2 raised to 3, तो बाहर कितना बचा 20, तो कितने हो गए 60, अभी कितना बचा है हमारा 2 raised to 3, ठीक है। ये आपको समझ गया कैसे आया, 2 × 3 20 × 3 हो गए 60 प्लस ये 3, ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 raised to 20 सॉरी ये डायरेक्टली 2 का मल्टीपल हो सकता है, सो यू डोंट हैव टू गेट दिस मच कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। ये डायरेक्टली 3 का मल्टीपल है, सो यू कैन गेट 3 × 21 बाय 9, यू कैन डायरेक्टली गेट इनटू दिस फॉर्म, तो आपको उसको स्प्लिट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन और भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ओके। सो ये हो गया 8 by 9 raised to 21। अभी इसके बेस को डायरेक्टली डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचा -1 raised to 21, ठीक है। सो -1 तो हम लोग लिख नहीं सकते, जो सोल्यूशन है जिसमें रिमाइंडर हम लोग माइनस नहीं लिख सकते, हमको प्लस ही लिखना है, ठीक है। क्योंकि ये जो होगा ये -1 raised to power ऑड है, तो हमारा जो उसका पावर आएगा वो भी -1 ही आएगा, सो -1 raised to 9। तो अभी माइनस आया तब क्या करना है, तब आपको एक सिंपल चीज़ करनी है, आपके जो डिनोमिनेटर में जो भी होगा उसको उसके साथ ऐड कर देना है, ओके और जो भी आपका बचेगा वो आपका रिमाइंडर होगा, ठीक है। सो एक सिंपल चीज़ ये आपको याद रखनी है, जो भी न्यूमरेटर में अगर माइनस का टर्म आएगा तो आपके डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी उसके साथ उसको ऐड कर देना है, और जो भी आपका आउटपुट आएगा वो आपका रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो ये केस में बी ये आउटपुट है, ठीक है। सो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग एक बार वापस रिपीट करते हैं। अगर क्वेश्चन है 2 raised to 63 by 9, ओके आपको इसका रिमाइंडर फाइंड करना है, तो आपको जो न्यूमरेटर का जो बेस वैल्यू है उसको 9 के सबसे पास वाले टर्म के पास लेके जाना है, ठीक है। सबसे पास वाला न्यूमेरिक वैल्यू जो होगा उसके पास लेके जाना है, सबसे पास वाला न्यूमेरिकल वैल्यू 2 के टेबल में 8 है, इसलिए हम लोग ने इसको 8 के फॉर्म में कन्वर्ट किया, 8 raised to 21 by 9, जो बेस है उसको 9 से डिवाइड किया, आया -1, -1 raised to जो पावर है वो ऑड है, तो जो आउटपुट आएगा वो भी माइनस में ही आएगा, सो दिस विल बी -1 upon 9, और पावर जो हमारा रिमाइंडर -1 में आया है, तो हमारा सोल्यूशन माइनस में नहीं हो सकता, हमको सोल्यूशन प्लस में चाहिए, तो उसके लिए एक सिंपल चीज़ आपको करनी है, आपको न्यूमरेटर यू हैव टू ऐड न्यूमरेटर विद द डिनोमिनेटर एंड द आउटपुट द आंसर विच यू विल गेट दैट विल बी योर रिमाइंडर, ओके क्लियर। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन 7 raised to 19 plus 2, यू हैव टू डिवाइड बाई 6 एंड फाइंड द रिमाइंडर। This question have been appeared in SSC CPO SI exam in 2005, ठीक है, in 2005, fine. So the question हम लोग लिख लेते हैं, what is the question, this is the question, divide by 6, अभी हमको क्या करना है, you have to individually डिवाइड द बेस टर्म, ठीक है, जो बेस टर्म है उसको इंडिविजुअली डिवाइड करना है। 7 by 6 करेंगे तो कितना होगा 1 raised to 19, फिर जो 2 करेंगे आपको तो पता है जो भी न्यूमरेटर में अगर जो भी स्मॉल वैल्यू होगी डिनोमिनेटर से, तो जो न्यूमरेटर में होगी वही वैल्यू हम लिख देते वापस, फाइन।
सो ये 7/19 का हो गया 1:19 और प्लस 2/6, फाइन, ये हो गए 1:19, 1 ही होता है तो 1+2 हो गया 3/6, 3/6 का रिमाइंडर क्या होगा, सेम लॉजिक, इफ न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर का वैल्यू होगा वही न्यूमरेटर होगा, वही सॉल्यूशन होगा, सो इन दिस केस 3 इज द आंसर, फाइन. नाउ वी विल मूव टू मोर ट्रिकी क्वेश्चंस और थोड़े और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने के ट्राई करते हैं. ठीक है, सो दिस क्वेश्चन वॉज अपियर्ड इन SSC CGL 2011 में आया था ये क्वेश्चन और इसमें आपको 2:31 को 5 से डिवाइड करना है और उसका रिमाइंडर फाइंड करना है. काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है अभी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या ट्रिक है. सो अगर आपको सॉल्व करना है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए और फिर सॉल्यूशन चेक कर दीजिए और क्रॉस चेक कीजिए कि आपको कंसेप्ट समझ में आया है कि नहीं, फाइन. सो वी विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन 2:31/5. ठीक है, सो हमको क्या करना है, बेसिकली ये 2 को 5 के क्लोजेस्ट फॉर्म में लेके आना है, क्लोजेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू में लेके आना है. 2 के टेबल में 5 क्लोजेस्ट कहाँ पे होता है, एग्जैक्टली 4 के. सो लेट्स डिवाइड इट इनटू 2² / 5. अभी आप देख सकते हो कि ये 31 है जो 2 का मल्टीपल नहीं है. ओके, सो वी हैव टू डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट, 2 × 5 = 30 और ये 2:1, फाइन. सो वी विल फर्दर सिंप्लीफाई, 4:15/5 इंटू 2. ओके, 4:5 कितना हुआ, -1/15 इंटू 2/5. ओके, ये कितना हो गया, -2/5. अभी हमारा जो न्यूमरेटर है वो माइनस के फॉर्म में आ गया है, हम सॉल्यूशन माइनस के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर से ऐड कर देते हैं. सो -2+5 हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा. सो इन दिस केस 3B इज द आंसर, फाइन. सो इस तरीके से आप अराउंड 5 to 10 सेकेंड्स में कोई भी रिमाइंडर का क्वेश्चन है जिसमें आपको मतलब ये टाइप के रिमाइंडर के क्वेश्चन है, आप इजीली 5 to 10 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हो, ये ट्रिक यूज कर सकते हैं. ओके, सो आप इसके लिए आपको कोई भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल ट्रिक है और सिंपल मेथड है. अगर आप ये मेथड समझ जाओगे तो आप कोई भी ये टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको रिमाइंडर फाइंड करना है आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. ओके, नाउ वी विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन विच इज अपियर्ड इन SSC CGL Tier 1. ओके, द मेथड इज द सेम, 17/200/18. ये तो आप देख के ही सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, सो बेसिकली 17 और 18 आप देख लिया, इसमें डिफरेंस कितने का है, -1 का है. ठीक है, -1/200/18 क्या होगा, 1/18, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, जो न्यूमरेटर है वही आंसर होगा. सो बेसिकली 1 ये केस में आंसर होगा, फाइन. तो सी है, तो ऐसे आप इतने टफ क्वेश्चंस को भी ओरली सॉल्व कर सकते हो ये ट्रिक से. ओके, सो काफ़ी यूजफुल ट्रिक है, आप इसको सॉल्व कीजिए, अलग अलग क्वेश्चंस ट्राई कीजिए. अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमारा जो फेसबुक चैनल है वहाँ पे भी आप अपने डाउट्स को लिख सकते हो. हमारे जो इफ आई कैन आंसर टू योर डाउट्स, हमारे अदर सीनियर फैकल्टीज भी हैं, दे विल ऑल्सो प्रोवाइड यू विद देयर गाइडेंस. सो आपको अगर कोई भी डाउट है तो आपके जो हमारे जो कमेंट सेक्शन है वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, या फिर जो हमारे फेसबुक सेक्शन है वहाँ पे भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो. ओके, सो वी विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स इन लेस देन 24 आवर्स. सो आप मतलब कहीं अटक ना जाओ, आप मतलब
आपका प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, जो पेस से आपका प्रिपरेशन चल रहा है वो पेस में आपका प्रिपरेशन कंटिन्यू रहे, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसमें एज सच कुछ डिफरेंस नहीं है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस वॉज ऑल्सो अपेयर्ड इन SEC CGL, ओके। 9 raised to 6 माइनस 11 बाई 8, ठीक है, सिंपल है। 8 raised to 8 को 9 से डिवाइड किया, कितना बचा रिमाइंडर? 1, 1 raised to 6 माइनस 11 बाई 8, ऊपर कितने आए? माइनस 1 माइनस 11 बाय 8, ये कितना हो गया? माइनस 10 बाय 8, ठीक है। सो अभी हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना, 10 को, जो 10 है ये 8 से छोटा है। देखिए अभी जो जो भी इसके पहले वाले केसेस आ रहे थे उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा था, तो हम लोग डायरेक्टली न्यूमरेटर को ले रहे थे, लेकिन इस केस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल डिवाइड दिस एंड फाइंड द न्यूमर फाइंड द रिमाइंडर। सो 8 को 10 से डिवाइड करेंगे, हमको रिमाइंडर क्या मिलेगा? माइनस का साइन जो ऐसा है वो एज इट इज आ जाएगा, प्लस 2, ठीक है। लेकिन 2 हम लोग लिख नहीं सकते, सो हम लोग क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से ऐड करेंगे और जो भी आंसर आ जाएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा, ठीक है। सो इसमें कुछ मिस्टेक है, इसमें रिमाइंडर एक्चुअली मेंशन नहीं किया है, लेकिन 6 इसका आंसर होगा, ठीक है। सो ये मेथड है, ये मेथड से आप कोई भी रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस है वो बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो, और मतलब अराउंड 5 to 10 सेकेंड्स में आप कोई भी रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे चैनल को। इफ़ यू वेन एवर यू लाइक अवर वीडियोज इट मोटिवेट अस टू मेक मोर वीडियोज एंड टू मेक मोर कंटेंट। सो प्लीज़ लाइक अवर वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल्स, क्योंकि अभी शॉर्ट ट्रिक्स के और भी टॉपिक्स के रिगार्डिंग शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ। सो वो वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग और भी दूसरे चीज़ों के लिए जो करंट अफेयर के और टॉपिक्स है उसके लिए भी हम लोग लाइव वीडियोज़ बनाते हैं, तो वो भी वीडियोज़ देखिए, उससे भी आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। और कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम के डिटेल्स के बारे में, नोटिफिकेशंस के बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में, या एग्जाम डेट्स के बारे में, कोई भी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी वेबसाइट में आपको मिल जाएगी, दैट इज़ www.youngias.com, ठीक है। थैंक यू।